नमस्कार दोस्तों, भजन कल्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बट सावित्री की कथा के बारे में सुनाने जा रही हूँ। कथा आप लोग पूरा सुनिएगा। कब है बट सावित्री व्रत, जाने व्रत कथा और उसके लाभ। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन बट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस साल 22 मई को बट सावित्री व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने के लिए होने और उसकी कुशलता के लिए पूजा उपासना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि बट सावित्री व्रत कथा के श्रवण मात्र से महिलाओं के पति पर आने वाली बुरी बला टल जाती है। इस पर्व को देश के सभी हिस्सों में मनाया जाता है। हालांकि कई हिस्सों में इसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए अब बट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। बट सावित्री पूजा की व्रत कथा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अशुपति बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनके इस व्यवहार से प्रजा में सदैव खुशहाली रहती थी। लेकिन अशुपति स्वयं प्रसन्न नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अशुपति संतान प्राप्ति हेतु नित्य यज्ञ और हवन किया करते थे, जिसमें गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियाँ दी जाती थी। उनके इस पुण्य प्राप्त से एक दिन माता गायत्री प्रकट होकर बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें मनचाहा वरदान दे रही हूँ। तुम्हारे घर जल्द ही एक कन्या जन्म लेगी। यह कहकर माता गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में राजा अशुपति के घर बेहद रूपवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके लिए योग्य वर नहीं मिला। इसके बाद राजा ने अशुपति से अपनी कन्या से कहा, हे देवी, आप स्वयं मनचाहा वर ढूंढकर विवाह कर सकती हैं। तब सावित्री को एक दिन वन में राजा धूमत्सेन मिले। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देख नारद जी राजा अशुपति के पास आकर बोले, हे राजन, आपकी कन्या ने जो वर चुना है उनकी अकारण जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। आप इस विवाह को यथाशीघ्र रोक दें। राजा अशुपति के कहने के बावजूद सावित्री नहीं मानी और राजा धूमत्सेन से शादी कर ली। इसके अगले साल ही नारद जी के कहे अनुसार राजा धूमत्सेन की मृत्यु हो गई। उस समय सावित्री अपने पति को गोद में लेकर बैठी थी। तभी यमराज आकर राजा धूमत्सेन की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के बहुत मनाने के बाद भी सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने उन्हें वरदान मांगने का प्रलोभन दिया। सावित्री ने अपने पहले वरदान में सास ससुर की दिव्य ज्योति मांगी। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री के सास ससुर अंधे थे। दूसरे वरदान में छीना राजपाट मांगा और दूसरे तीसरे वरदान में 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जब सावित्री यमराज के पीछे चलती रही तो यमराज ने कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आपने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे दिया है, लेकिन बिना पति के मैं मां कैसे बन सकती हूँ। यह सुन यमराज स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने राजा धूमत्सेन को अपने प्राण पास से मुक्त कर दिया। कालांतर से ही सावित्री की पति सेवा और भक्ति की कथा सुनाई जाती रही है।